लोग ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए एक और सच्चाई आज बताता हूँ। एक्चुअली आपको एक साल नहीं मिलता ड्रॉप के लिए, ऐसा सोचते हैं कि यार एक साल मिला है पढ़ाई के लिए, ड्रॉप में फोड़ देंगे, लेकिन आपको एक साल नहीं मिलता है। पहली बात तो आप काउंटिंग नीट टू नीट क्यों कर रहे हो? नीट का पेपर दिया, उसके बाद आपका रिजल्ट आने में देरी होगी, फिर रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग चलेगी, फिर काउंसलिंग के बाद मॉपअप राउंड्स होंगे, फिर उसके बाद घर वाले कहेंगे कि कोचिंग ज्वाइन करे ना करे। तो कुल मिला के मन बनाते बनाते आपके पास प्रॉपर पढ़ाई के 8 to 9 months बच जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप फ्लो बनाते हो, फिर बीच में टूट जाएगा। तो टूटे हुए पार्ट्स को हटा दे, अगर नीट आने की टेंशन वाली रात है जिनमें आप पढ़ नहीं पाए उनको हटा दे, स्टार्टिंग में ड्रॉप स्टार्ट करने से पहले के पार्ट्स को हटा दे, तो 8 to 9 months ही बचे रहते हैं आपके पास कंसिस्टेंटली पढ़ाई करने के लिए। तो 8 to 9 months को आपको रगड़ देना है बिल्कुल, एक साल की कसर आपको 8 to 9 months में निकाल देनी है। और अब आप स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आपको पता है आप कहाँ लैग करते हो, आपको पता है आपके कितने नंबर आए और कितने नंबर चाहिए, जंप कितनी मारनी है, और आपको पता है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करके क्या मिला या फिर कोचिंग ज्वाइन नहीं करी सेल्फ स्टडी करी तो उससे क्या मिला। तो अब आप दूसरा पाथ अपनाओ। इन तीनों चीज़ों को याद रखो, और याद रखो कि टाइम इतना ज़्यादा है नहीं, 8 to 9 months ऐसे निकल जाएंगे यार, क्योंकि आपको NCERT की रीडिंग लगानी है। NCERT की रीडिंग तो लगानी है यार, ये तो कॉमन सेंस है। NCERT की रीडिंग 4-5 बार लगाओ। बायो की NCERT किसी दिन मैं आपको अपनी दिखाऊंगा, पूरी रगड़ दी थी, घिस दी थी, उसमें तो अक्षर भी तमीज से नहीं दिख रहे थे। तो NCERT की रीडिंग लगानी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, इसके अलावा आपको साइड बुक्स पढ़नी है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के आपको लॉन्ग मेथड तो अपनानी नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शॉर्ट मेथड ढूंढने हैं जो कि आपको साइड बुक्स में मिलेंगे, तो साइड बुक भी पढ़नी है, थ्योरी भी पढ़नी है। अब ये सारी चीज़ें करने के लिए टाइम लगता है, और 8 to 9 months असल में बहुत छोटा समय है। तो ड्रॉप को सीरियसली लेना है, जितनी जल्दी चालू करोगे ड्रॉप बनाने का मन अगर है तो बना लो, ड्रॉप चालू करना है तो करो, ऐसे डबल गेस नहीं करना अपने आप को, सारे ऑप्शंस हर जगह हाथ नहीं मारना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और आपको इफेक्टिवली प्लान करना है। ऑल द बेस्ट। अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो मुझे पता है इस बार प्रीवियस टाइम से आप बहुत अच्छी जंप मारोगे, ड्रॉप सक्सेसफुल होगा।